वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज खैर से सेकेंड रमज़ान आ गया है और जितने भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको रमज़ान मुबारक, क्योंकि उनका चांद जो है आज नज़र आया है। तो थोड़ी सी उदासी ये है कि हमेशा हम अपने जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ईद करते हैं, एक तरह मज़ा आता है। वो हमें विश कर रहे होते हैं, हम उनको विश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ वो भी उदास थे जो मेरे टच में हैं इंडियन सब्सक्राइबर्स। तो वो भी काफ़ी फील कर रहे थे कि यार काश हमारे जो रोज़े हैं वो एक साथ स्टार्ट होते, इसी तरह हमारी ईद भी एक साथ आती। तो खैर, जो अल्लाह को मंजूर। अभी मैं किचन में आई हूँ सहरी करने के लिए। हस्बैंड जो है सहरी करके सो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि अजान के टाइम मुझे उठाना, एक गिलास पानी पिलाना, दैट्स इट, नमाज पढ़ूंगा और फिर सो जाऊँगा। तो अभी मैं आई हूँ किचन में कुछ खाने के लिए। देखते हैं मैं क्या खाती हूँ, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करूँगी। रात को मैंने राइस बनाए थे जो कि मैंने नहीं खाए थे, टेस्ट भी नहीं किए थे। अब मैं वही खाऊँगी और साथ में दही ले लूँगी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी। तो चलें जी, प्लेट उठाते हैं। मुझे ना प्लास्टिक की प्लेट में खाने का ज़्यादा मजा आता है। वो तो मैं शो शाम मारने के लिए ना शीशे की प्लेट उठा लेती हूँ। और जी बस यहाँ पे अब मैं खाने लगी हूँ। रात को मैंने राइस जो बनाए थे अफ्तारी में, तो आपको पता है अफ्तारी खाने के बाद बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाना खाने पे। वही खाना जो है हम सहरी में यूज़ करते हैं। तो बस अभी मैं खाऊंगी छोले वाले राइस। सहरी जो है रेडी हो गई है, एक प्लेट राइस। सिंपल सी सहरी है मेरी। तो जी आ जाओ, किसको मेरे साथ सहरी करनी है। और जी बस यहाँ पे सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, और उसके बाद जो है नींद ही नहीं आती। बस कभी आंख खुल रही होती है और कभी नींद आ रही होती है, लेकिन नींद जो भी आती है बहुत ही मीठी नींद आती है। और मैं वेट कर रही होती हूँ नसरीन का, और अचानक से जी कॉल आती है मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल से कि जी आज उनका ऑफ है, और इसलिए फिर वो आज नहीं गए। और यहाँ पे नसरीन जब आई है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश एक्चुअली सुबह फजर के टाइम से ही शुरू हो गई हुई थी और बहुत अच्छी बारिश थी, और आज सारा दिन जो है बारिश होती रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो बारिश है रहमत वाली बारिश हो और रहमत वाली बरसे, इससे किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो। आमीन सुम आमीन। बारिश तो यहाँ पे हो ही रही थी, लेकिन बारिश के साथ साथ ठंडी हवा बहुत ज़्यादा थी, और दिल कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को उठाऊं और बोलूं चलाओ चले लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन मुझे उनसे डांट बिल्कुल भी नहीं खानी थी कि जी एक तो उनकी छुट्टी और ऊपर से मैं उनको सुबह सुबह उठाकर सैर सपाटे पर ले जाऊँ। तो खैर, मैंने अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए जो है बारिश की छोटे मोटे क्लिप बनाए और सफाई करवा के फिर मैं सो गई। और आज खैर से जुम्मा था, रमज़ान का पहला जुम्मा, आप सबको मुबारक हो। और हस्बैंड ने बोला जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद आज हम जाएंगे आपकी अम्मी की तरफ, कल आप जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास थी तो इसलिए आज हम अफ्तारी उनके साथ जाकर करेंगे। तो बस यहाँ पे हम आए थे समोसे लेने के लिए, और जब मैं मम्मा के घर गई तो मम्मा ने भी समोसे मंगवाए हुए थे, कचौरियाँ मंगवाई हुई थी। तो बस यहाँ से जी अब हम जा रहे हैं सीधा मम्मा की तरफ। बारिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो रही थी और आज सारा दिन बारिश होती रही है, और रमज़ान जो है ना हमारे ठंडे हो गए हैं। अच्छा, 4-5 दिन पहले मैं कह रही थी नहीं, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे कहते हैं किस बात का, मैंने कहा नहीं यार बहुत दुख हुआ। कहते हैं किस बात का तुम दुख मना रही हो, तो मैं बस यही बोल रही थी कि सर्दियाँ चली गई हैं, सर्दियों को भी जाना नहीं चाहिए था, अभी उनका टाइम नहीं था जाने का। तो बस मैं ये अपने आप से ही बातें कर रही थी, और वाकई मुझे दिल से दुख हो रहा था कि सर्दियाँ इतनी जल्दी चली गई हैं। तो खैर, दोबारा से जो है सर्दियाँ आ गई हैं, और आज मैंने दोबारा से अपना गर्म सूट निकाल कर, जो लिलन का होता है वो निकाल कर पहना है, जबकि मैं लॉन पहनना स्टार्ट हो गई थी। और जी बस अब मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ, और मैंने मम्मा को कॉल कर दी थी कि मम्मा मैं आ रही हूँ आपके पास रोज़ा अफ्तार करने के लिए। Thank you.
ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਾਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਦਿਓ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਿਲੋ 200 ਰੁਪਏ 2 ਕਿਲੋ नीचे से ना उठा मेरी जान मैं फिर भी बता रहा हूँ खराब अब इधर से उठा हम आए हैं यहाँ पे रास्ते में हमें स्ट्रॉबेरीज नज़र आई थी जो कि थी बहुत ही सस्ती ओनली 250 रुपीस में जो है हमें मिल रही थी 1 kg तो बस हमने यहाँ पे 2 kg जो है स्ट्रॉबेरीज ली और ज़ेम को मैंने बोला कि आप कार से नीचे उतरो और जाकर लो ये ऊपर सजावट के लिए अच्छे अच्छे रखते हैं और फिर नीचे से निकाल निकाल के देते हैं तो बस ज़ेम को मैंने डराया और ज़ेम इस बच्चे को डरा के अब स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं और बस यहाँ पे मैं मम्मा की तरफ आ गई थी और अब मैं बना रही हूँ टैंग और टैंग में आपको बताती हूँ यहाँ पे मुझे 2 जग बनाने थे और टैंग के अंदर अगर आप काला नमक ऐड करते हैं ना तो आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ऐसा लगता है जैसे आपने ऑरेंज जूस जो है ना फ्रेश निकाला है और आप वो पी रहे हैं तो अपने मुताबिक जितना आप टैंग यूज़ करना चाहते हैं मैं तो टैंग के अंदर शुगर ऐड नहीं करती अगर आप शुगर ऐड करते हैं और उसके बाद अगर आप उसके अंदर काला नमक भी ऐड करते हैं तो आपको सेम ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रेश जूस पी रहे हैं तो कौन कौन ट्राई करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो बस यहाँ पे मम्मा ने जो है दही पकौड़ियाँ बनाई हुई थी साथ में जो है कचौरियाँ थी छोटे समोसे घर के हैं साथ में मम्मा ने चिकन रोल बनाए हुए थे पकौड़े मम्मा ने बहुत ही मज़े के बनाए हुए थे तो बस ये थी मम्मा की यहाँ पर अफ्तारी और ज़ेम और मैंने साथ में की बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जी मम्मा ने घर पर ही जो है ना टेलर भी बुलाया हुआ है आप देखकर कह रहे होंगे कि ये स्वीटी एकदम कहाँ पे आ गई तो ये मम्मा का घर ही है और कपड़े जो है ना यहाँ पे सिल रहे हैं गर्मियों के जितने भी कपड़े हैं तो बस मम्मा ने घर पे ही इनको बुलाया हुआ है जब मेरी शादी हुई थी मेरी शादी के जितने भी ड्रेसेस थे वो इन्होंने ही स्टिच किए थे और इसी तरह हम इनको घर पर बुला लेते हैं अगर आपको याद होगा 2 साल पहले भी जब मैंने व्लॉगिंग अपनी नई नई स्टार्ट की थी तो तब भी जब कोविड आया हुआ था तो घर पर ही इनको मैंने बुलाया था और मेरे तकरीबन आप कह लें कि 10-15 सूट थे जो इन्होंने स्टिच किए थे ज़ेम के 8-9 शलवार कमीज़ें थी जो इन्होंने स्टिच की थी तो बस जब हमारे पास बहुत से ड्रेसेस होते हैं ना हम इनको घर पर ही बुलाते हैं और अपने पास बिठा कर ही जो है ना कपड़े अपने 1-2 वीक के अंदर अंदर जो है ना हम कंप्लीट करवा लेते हैं और जी बस यहाँ पे खैर से आज का जो दूसरा रोज़ा है वो भी हम लोगों ने अफ्तार कर लिया और यहाँ पे मोहसिन और छोटा भाई जो आदम है वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो दोनों जॉब पे हैं और मोहसिन जो है रात को आपको तो पता ही है जो मोहसिन को इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो उनको मोहसिन की टाइमिंग का पता है कि वो रात को 3, 3:30 या 4 बजे जो है घर आता है जॉब से तो मोहसिन की भी अफ्तारी जो है जॉब पे होती है और आदम की भी वहीं पे ही होती है आदम भी अपनी जॉब पे होता है तो बस मम्मा पापा भी ये 3 लोग ही मिलकर अफ्तारी करते हैं तो अभी जो है अफ्तारी करने के बाद चाय पी थी और चाय पी के अब मैं जा रही हूँ खैर से अपने घर और वहाँ से फिर हमें जाना था एक ज़रूरी जगह काम कुछ हमने चीज़ें जो हैं लेनी थी किसी को कुछ ऑर्डर दिया हुआ था वो हमें पिक करना था तो बस अभी मैं यहाँ पे निकल रही हूँ और आज जैली और जो बुबू है उसको भी मैं अपने साथ घर वापस ले आऊँगी बैठ जाती अभी बस जा रही हूँ ये बैठ जाती और नहीं काम है पता है ना चीजें लेनी है ये रखना है और
और जी बस खैर से अब हम घर जा रहे हैं। आज की जो मेरी रूटीन थी फुल वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसी रूटीन में जो है नमाज़ भी पढ़ी, कुरान मजीद भी पढ़ा, जो इबादत थी वो भी की। और अब जी मैं आपको चांद दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पता लग रहा है कि पूरे 2 दिन का चांद है। तो यहीं पर मेरा आज का व्लॉग भी होता है दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।